चंडीगढ़ के पंजाब के हुण कॉलेजों तो भी पंजाबी हटाने की यह कोशिश कर रहे हैं, तो उहदे नाल बहुत प्रभाव पाऊगा। इत्थों की जनरेशन जिहड़ी हैगी है, सारे यंगस्टर बाहर वल जा रहे, उहदे की कारण ने। हुण जिहड़ा वड्डा हमला किया नैशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाँ पर, यह बहुत वड्डा हमला है कि जिहदे नाल पंजाब की जिहड़ी मात भाषा है, पंजाबी बोली है, वह भी यूनिवर्सिटी तो भी कॉलेजों तो जमें स्वाइप कर रहे हैं। यह कि जे कोई बच्चा पंजाबी ऑप्ट ही नहीं करेगा तो अगे आने वाले कितने जाएंगे, तो जिहड़े पिंडां तो लोग आते हैं वो अपनी बोली च ही नहीं पढ़ सकेंगे तो वह की करेंगे। हाजिर हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर तो देख रहे हो पंजाब टीवी तो जी एस लाडी उचेचे तौर पर। वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के पहुंचे जिथे कि पंजाब के हकों के पंजाबी मां बोली की गल की जा रही है, बिल्कुल अज बिल्कुल बिल्कुल धरना लग्या हुआ उस वक्त स्टूडेंट यूनियन वालों। स्टूडेंट यूनियन ही एक स्टूडेंट प्रभदीप कौर बिल्कुल साढ़े नाल इस चैनल के उत्ते। प्रभदीप जी की कहना चाहते हो कि पंजाबी मां बोली बिल्कुल किस तरह खत्म किया जा रहा, हौली हौली पंजाब के पंजाबी खत्म हो चुकी, यदा आने वाले समय के प्रभाव पाऊगा पंजाब के यंगस्टर से, पंजाब की यूथ से, पंजाब की जवानी से? जी बिल्कुल प्रभाव पाऊगा भी, तो मैं लगता प्रभाव बहुत पै भी रहा है। जेडे हिसाब नाल चंडीगढ़ जिमें बनया उस तो बाद इतों किमें पंजाबी इतों के सरकारी स्कूलों चो पंजाबी जा रही है, प्राइवेट स्कूलों चो जमी जा रही है, तो उस तो बाद चंडीगढ़ के पंजाब के हुण कॉलेजों तो भी पंजाबी हटाने की यह कोशिश कर रहे हैं, तो उहदे नाल बहुत प्रभाव पाऊगा। इतों की जनरेशन जिहड़ी हैगी है, सारे यंगस्टर बाहर वल जा रहे, उहदे की कारण ने? उहदे कारण यही ने कि इत्थे इत्थों के पिंडां दे जिहड़े लोग ने उहनां दी अपनी मात भाषा विच इत्थे बिल्कुल भी उहनां लई एजुकेशन नहीं हैगी, जे एजुकेशन उस तो बाद रुजगार नहीं हैगा। तो हुण जिहड़ा वड्डा हमला किया नैशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाँ पर, यह बहुत वड्डा हमला है कि जिहदे नाल पंजाब दी जिहड़ी मात भाषा है, पंजाबी बोली है, वह भी यूनिवर्सिटी तो भी कॉलेजों तो जमें स्वाइप कर रहे हैं। यह कि उहदे नाल वड्डा असर पाऊगा कि जे कोई बच्चा पंजाबी ऑप्ट ही नहीं करेगा तो अगे आने वाले कितने जाएंगे, तो जिहड़े पिंडां तो लोग आते हैं वो अपनी बोली च ही नहीं पढ़ सकेंगे तो वह की करेंगे। प्रभदीप जी एक होर भी गल वेखण हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के नाते है, पंजाब नूं पंजाब के कई पिंडां नूं उजाड़ के पंजाब चंडीगढ़ एक वसाएगा, पर पंजाबी नूं ही खत्म किया जा रहा है कि जे पंजाबी पढ़ांगे नहीं तो पंजाबी पढ़ावांगे कित्थों? बिल्कुल तुहानूं की लगता कि जेकर तुहाडा धरना अज तकरीबन तीजे दिन चालू है, जेकर सरकार ने मंगां तुहाडियां ना मनियां तो किस तरह किन्ने दिन होर चलता रहेगा? यह जारी रहेगा जो हजे एक मंग तो यूनिवर्सिटी वालों कही गई है भी असी 6 दिन हफ्ते दे सिर्फ बी ए पढ़ावांगे, पर साड़ी मंग यह भी है भी यह अंडर ग्रैजुएट के जिन्ने कोर्स ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर पंजाब के कॉलेज चंडीगढ़ के कॉलेज सारे अंडर ग्रैजुएट के कोर्सिज़ में पंजाबी पढ़ाई जाए, पूरे 3 साल पढ़ाई जाए, तो ये जॉब वैकेंसीज भी वधणगियां। जिहड़े हुण गेस्ट फैकल्टीज़ ने परमानेंट प्रोफेसर किन्ने रह गए, पंजाब यूनिवर्सिटी के पंजाबी डिपार्टमेंट विच सिर्फ 2 परमानेंट प्रोफेसर ने, जिथे कि 8 प्रोफेसर की वैकेंसी खाली है, उत्थे ही ये गेस्ट फैकल्टी घट इनकम ते रख रहे हैं, तो एवें कॉलेजेस विच भी प्रोफेसर बहुत घट ने, तो उत्थे जे पंजाबी आएगी उत्थों दे प्रोफेसर की रुजगार वधेगा यूथ का, उत्थे ही बच्चे पढ़नगे पंजाबी ते वधिया एक होएगा। तो साडा धरना उदों तक रहेगा जदों तक सारियां मंगां नहीं मन लीतियां जांदियां। हजे एक मंग दी इन्होंने कही है कि असी हफ्ते दे 6 दिन पंजाबी पढ़ावांगे बी ए दे नूं, पर असी चाहुंदे हां वी अंडर ग्रैजुएट दे जिन्ने कोर्सेज है उन्हां सारियां नूं पंजाबी पढ़ाई जाए। प्रभदीप जी बिल्कुल स्टूडेंट यूनियन वालों भी कला इस धरने को हुलारा दिता जा रहा है, जां मजदूर यूनियन जां किसान यूनियन, होर कि यूनियन ने वालों इस धरने के बिल्कुल तुहानूं साथ दिता जा रहा है? इस धरने च जिवें अमितोज मान जी आए ने, तो किसान मजदूर यूनियनज आई ने, स्टूडेंट्स यूनियन ने, खुजारथी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के, टीचर्स यूनियन आई ने, टीचर्स आए ने खालसा कॉलेज तो जिवें आए ने। सो बिल्कुल जी ये साडा प्रभदीप जी, वैसे इन्होंने ताज़ा तरीन अपडेट फिर भी दी है क्योंकि कहते अजे तक साड़ी कुछ मंगा मान लिया गई क्योंकि सानू 6 दिन पंजाबी पढ़ाई जाएगी। होर भी दोस्तों ताज़ा अपडेट लैके पहुँचा तो वेखते रहना पंजाब टीवी जी एस लाटी।